यात्रा के दौरान हम पहुंचे हैं जुलाना। जुलाना भी एक हॉट सीट है क्योंकि यहां से पहलवान विनेश फोगाट मैदान में हैं। चुनाव भी अपने आखिरी दौर में है, कुछ हॉट सीट्स को हम विजिट कर रहे हैं। उसी सिलसिले में हमारा जो सफ़र है वो यहां पहुंचा है। कुछ लोग यहां बैठे हैं, इनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप कुमार है जी। संदीप जी, यहाँ क्या माहौल है चुनाव का? चुनाव का अब तो अपनी सीमा पे है, आखिरी सीमा पे। यानी एक ही दो दिन रह गया बचा, उसमें भी है ना हमारी पार्टी जो है ना ये बीजेपी सरकार योगेश, ये बहुमत से जीतेगा। आप किसको वोट देना चाह रहे हैं? आप हम इस ऐसी पार्टी को देंगे जो हमारा विकास करेगी, उसी पार्टी को हम वोट देंगे। अभी है मोदी सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं, वो हमारे लिए अच्छे काम करे। जुलाने में भी एक दूसरे भाई से मिलकर छत्तीस बरादी के साथ चले और जुलाने का विकास करेंगे आगे आने वाले। क्या नाम है आपका? राजवीर। राजवीर जी, जहाँ चार लोग बैठते हैं आजकल, वो ताश पे हो, हुक्के पे हो, चाय पे हो, चुनावी चर्चा हो रही है ना, चुनाव के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या माहौल है? एक तरफा कांग्रेस आओ। अच्छा। हाँ बिल्कुल, कोई शक नहीं। क्यों, क्या बात है? बात के इन्हें पीठ जी सारा लिया ना। हाँ। सारा नहीं है ना, पीठ दिया इन्हें। किसानों वाली बात कर रहे हैं? किसानों वाले जी, किसान भी पीट दिए, कर्मचारी भी पीट दिए, सरपंच भी पीट दिए और आंगनबाड़ी भी पीट दी। हमारा जिए को नहीं सरकार में। तो आप यहाँ तो, अच्छा तो विनेश के बारे में क्या कहना? विनेश ये काम ठीक करते हैं, कुछ नहीं किया। क्या नाम है आपका? रामेश्वर जी। रामेश्वर जी क्या करते हैं? अजी क्या करते हैं आप? ये कले बूढ़े हो गए जी हम तो। अच्छा नहीं, वैसे क्या काम काज क्या है, क्या माहौल क्या है, राजनीतिक माहौल क्या है यहाँ? राजनीति नहीं है जी, मुकाबला इनका। अच्छा, किस किस का मुकाबला है? बीजेपी का और कांग्रेस का। अच्छा, इसमें टक्कर है मुंडिन की। हाँ। कोई सही 5,000 टक्कर मुंडे जी, ये नहीं कही जाती बना क्वेश्चन में। तो मुद्दे क्या है, लोग क्या सोचते हैं, किस मुद्दे पे लोग ये बेचा मजे के सरकार का बदलाव कर दें और कुछ सरकार के काम इसके बढ़ जाए और कुछ इनके इनको टाइम भी दें जी कांग्रेस को, तो भाई ये क्या करेंगे, 10 साल इनकी कर दिया। मुद्दे ये हैं जी। क्या नाम है आपका जी? क्या कह रहे थे आप? मुद्दे ये हैं जी, अभी तो गोल मोल बात करें लोग, सपट बात नहीं करे, बात नहीं कर रहे, सपट नहीं करे, लोग अपनी दिल की बात नहीं बता रहे, नहीं बता रहे कि किसको वोट करना। हाँ, कोई भी जीत सके जी। क्या नाम? मैं भी नहीं बता रहा। हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? बलबीर जी। बलबीर जी, क्या माहौल है यहाँ चुनाव का? माहौल तो जी मुकाबला ही टक्कर है जी। किस किस में? कांग्रेस की भाजपा जी। अच्छा, तो लोग क्या सोच के वोट कर रहे हैं? लोग तो जी है रहे हैं, नुन्ने भी जा, हर नुन्ने भी जा। अच्छा। हाँ, उनका नुए नहीं बेरा में है की तोड़। अच्छा। हम तो आठ सारे दिन बैठा बैठा देखू हूँ। हाँ। उड़े भी रोटी जिम जे, हाँ उड़े भी जिम जे, हाँ नुन्ने भी जिम जे। अच्छा। उनका नुन नहीं बेरा है की तुम्हारे, मतलब कि लोग सबके दफ्तरों में जाके खाना खा रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, लेकिन शाम नुन्ने फिर दारू चाहिए जी। अच्छा, बनना आन के पूछेंगे बिला कोट पर बंटन लग गए क्यूँ, मैं उड़े का इंचार्ज हूँ। अच्छा, पूछ ले आगे जाएंगे ना। अच्छा। हाँ। तो फिर मतलब लोग बता नहीं रहे किसको? नहीं बता नहीं रहे जी, इधर देख के बात कीजिए इधर। हाँ, तो लोग बता नहीं रहे? बता नहीं रहे जी, लोग अपना भेद नहीं देंगे, सारा हंट है। अच्छा, तो मुद्दे क्या है, किन किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं? कोई मुद्दे भी हैं जैसे नौकरी का मुद्दा है, बेरोजगारी है, किसान है, कोई मुद्दे भी बात करते हैं लोग या नहीं? बेरोजगारी तो है जी, लोगों ने धक्के बहुत खाए हैं जी, कागता मूल जे रहे हैं, अफसर साहब इन्हें काम नहीं करे जी, मिनिस्टर तो सारे बढ़िया हुए हैं, फिर ये अफसर है नहीं, ये ज्यादा धक्के हुआ है। तो लोग क्या देख के वोट कर रहे हैं? लोग तो जी बदलाव चाह रहे हैं। अच्छा। लोगों का थोड़ा रोष हो रहा है जी, काम नहीं बने लोगों के, इस करके बदलाव चाह रहे हैं। अच्छा, इनेलो और जजपा के बारे में क्या है? इनेलो की वोट कौन जी? नहीं, कौन के लिए मुकाबला? बीजेपी में और कांग्रेस में। और जेजेपी? हैं? जेजेपी इसमें कौन जी वोट? नहीं, उसके नहीं है जी। इनेलो जेजेपी के बारे में, उनके बारे में
तो अच्छा हुआ है, बात है ना करे तो वे भी ऐसे ही हैं जो आ गए ना अपने वोट मांगने, वो हमारा तो हमारे लिए मैं लड़ाई नहीं कभी भी। उसने भी 5 साल हमने देख लिया दंड को, उसने थोड़ा काम कराया जो मान ले आड़े जो नज़दीक के लगते हुए काम आ गए, हमारा तो कोई तरफ का किया ही नहीं। क्यों मैं एक रात धानी से हूँ खिमा खड़ी, 5 गांव आगे हमारी पंचायत है और बढ़िया काम वहाँ आगे हैं भाइयों में सारा एक नंबर का बनता है, फिर भी हमें उसके दौरे जाते हैं तो उन्होंने कहते हैं तुम्हें लगना है ना तुम्हारे फार्म पर लग जाओ, हम फार्म पर लगेंगे तुम्हारे, हम वो किसान के बेटे हैं जो मेहनत करेंगे तो हमारी मजदूरी भी मिलेगी, हमने वो काम भी मिलेगा, वो काम हमें ये सरकार दुआएगी जो ऊपर है सेंटर। 5 तारीख को वोट गिरने हैं तो क्या लोग आपस में बात नहीं कर रहे कि क्या क्या करना है कैसे है, बात हो रही है क्या लोगों से, आपस में बात करते हो आप? बिल्कुल, सीएम भूपेंद्र हुड्डा आएगा जी। अच्छा। लिख के जी हमने तो आपस में लोग बात नहीं कर रहे ना जी, बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो आपस की बस थोड़ी बहुत हो जाती होगी जी। फिर नू है जिस हम तो नू भाइयों ने चल मिला के आते जी 36 बरादरी चलो। क्या नाम है आपका? राजू जी। अच्छा, युवा क्या सोच रहे हैं चुनाव के बारे में? बढ़िया सोच रहे हैं जी, बीजेपी की सरकार बढ़िया है, फ्री में नौकरी दी है, बिना खर्चा पर्चा गरीब के बालक भी लग गए हैं। कांग्रेस सरकार में गरीब के बालक नहीं लग गया करते, जिसका ब्यौत था वो लग गया करते बालक, इसमें गरीब तो गरीब बालक ने नौकरी थे हुआ है, पढ़निया होना चाहिए, खुशी नौकरी। ग्रुप डी एस सी हरियाणा पुलिस 56-57 ग्रुप सारे भरे जाएंगे और फ्री में नौकरी थे हुआ है। 5-6 ग्रुप डी 18,000 भर्ती हुई थी, सारे बालक फ्री में लागे, गाँव में 9-9, 10-10 लागे, आम नहीं लागे, हमारी कमी मतलब कम पटे नंबर भी मारा पट रहा है, ये बालों में पट रहा है तो इन लिस्टा में आ जाए हमारा नंबर, फ्री में नौकरी थे हुआ। बीजेपी सरकार बहुत बढ़िया सरकार। आपका क्या नाम है? राम कुमार पांचाल। अच्छा, आप क्या सोचते हो? हाँ, बीजेपी सरकार एक नंबर की सरकार है सारे, वे डी ग्रुप में मेरा भतीजा लगा है, भी 18,000 बच्चे ले गए हैं, इसमें मेरे भतीजे का नंबर लगा है, सरकार ने बहुत बढ़िया सहयोग दे रखा है, कोई कमी नहीं है, चाहे कोई कुछ कहो, बीजेपी सरकार में कोई कमी नहीं है, किसी किस्म की भी कोई कमी नहीं है। ठीक है जी, हूँ तो ये दुनिया कुछ भी कहे, बीजेपी सरकार एक नंबर की वोटिंग बढ़ेंगे और बढ़िया से बढ़िया बीजेपी की सरकार बनेगी। तो यहाँ पर जुलाना में अभी जो चुनावी चर्चा है वो कैसे हो रही है? हर रोज शाम को जब भी 4 लोग बैठते हैं चुनाव के बारे में बात करते हैं। तो योगेश कुमार जीतते हैं 20,000 वोटों से। अच्छा, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार है। यहाँ चुनाव का क्या माहौल है, लोग क्या सोच के वोट कर रहे हैं? वोट विकास को सोच के करेंगे मैम। पहले भी 10 साल बीजेपी सरकार रही है, विकास भी हुआ है, विकास की तरफ देखे तो विकास भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हाँ। गरीब बच्चों को नौकरी मिली है। हाँ। तो मोदी भी राशन भी मिल रहा है, तेल भी मिल रहा है, सरसों का चीनी भी मिल रही है, गरीब आदमी के लिए तो बहुत बेनिफिट है जी। हमें तो प्लाट भी मिला है 60 गज का, उड्डा में क्यों झूठ बोले? हाँ। आपको मिला है? यस, मिला है मैडम, कहते स्क्रीन शॉट दिखा सकता हूँ मैं, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के। तो आपको फायदा हुआ है तो आप तो? हाँ, वैसे हम यहाँ के हैं नहीं, हम बीजेपी को वोट करेंगे मैडम, दूसरे हलके से हम तो गाड़ी चलाते हैं, तो हम बीजेपी को वोट करेंगे कहीं से मर्जी हो। तो हाँ, आप कुछ कह रहे थे? ना जी, मैं कमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, तो बिल्कुल यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जुलाना में अलग अलग जो माहौल है वो चुनाव को लेकर है, सबकी अपनी अपनी अलग विचारधारा है, कहीं पर भी ये नहीं कह सकते कि किसी को एज है। कुछ एक विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं, जिनको भाजपा की नीतियों से फायदा हुआ है वो भाजपा की हैट्रिक की बात कर रहे हैं, कुछ किसान और पहलवानों का मुद्दा लेकर चल रहे हैं तो वो बदलाव की बात करते हैं। क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बदलते हैं ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। ये चुनावी शोर तो आपको मेरे साथ साथ सुनाई दे रहा ही होगा कि जुलाना में चुनावी शोर तो बहुत शोर मचा रहा है। क्या नाम है आपका? मोनू शास्त्री जी। अच्छा मोनू जी, बताइए यहाँ पर चुनावी माहौल क्या है, क्या सोच के लोग वोट कर रहे हैं? जुलाना हलके की जो जनता है पिछले काफी सालों से विधायक जो है एक हमको सही नहीं मिला जी, एक पिछड़े वर्ग बन चुका जी जुलाना हलका। तो किन मुद्दों पे वोट कर रहे हैं लोग यहाँ के? हम बदलाव चाहते हैं जी। अच्छा। बदलाव, हम जो विधायक होना चाहिए ना विधायक, ईमानदार, पढ़ा लिखा, अच्छी सोच और त्याग की भावना रखने वाला।
जो अपना न देख करके जनता का भला किस प्रकार से हो, समाज की सेवा किस प्रकार से हो। जो आर्थिक स्थिति कमजोर बनी हुई है जुलाना हलके की, उसको तो कैसे ठीक किया जाए? आप किसकी तरफ देखते हो, कौन सी पार्टी की तरफ आप देखते हो? केवल हम किसी पार्टी की तरफ नहीं है, केवल एक ही जुलाने हलके का जो विकास कर सकता है, डॉक्टर सुरेंद्र लाठर। ठीक है, आपका क्या नाम है? वीरेंद्र। यहाँ पर क्या माहौल है, राजनीतिक माहौल? राजनीतिक माहौल तो यू है बेबे, आड़े तो कांग्रेस बहुत तो घट बनिया करे, कांग्रेस तो दो बनी, एक बार तो लिजवाना का फतेह सिंह होया करता, फिर आई जी बनिया था, आड़े तो इन लोग का जो रहा है, इन लोग बनेगी, इन एल ओ पार्टी बनेगी, इन एल ओ पार्टी बनेगी, बाकी इन एल ओ का हल्का कदेत रहा है ये।